सबसे पहले सबसे हम माफी चाहब कहें कि भाई रात भर हम लोग जगे हुए आए हैं देवरिया से। रात भर गाड़ी चला है, इस वजह से सो गए थे हम। अभी जस्ट कुछ देर पहले उठे हुए हैं, तो फिर नींद खुला तो देखेगी टाइम हो गया, लेकिन हम लाइव नहीं आए। फिर कहे कि आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो फिर बदनामी हो जाएगी। सबके नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। बात हुई आज देर तक, जो भी बोले थे वो उसका जवाब दिया जाएगा। थोड़ा कमेंट के रिप्लाई ना दे पाई तो खातिर सॉरी। जेकर भी बात कुछ लगी कि हाँ रिप्लाई देवे लगे बाद देव, हम आज जितना हो सके लाइव के शेयर कर दिया लो। जहाँ तक बात रहल खेसारी मसूरी लौड़ा लहसुन के, जे जे बा खेसारी हो जास आई टून टूनवा जौन बा ऊ हो जाओ, चाहे जे भी ओके ठीक नू। आ पवन भैया के जितना भी फैन बड़ा, तू लोग कह तरह कि भैया जवाब काहे न दिले है। पहला चीज़ बता दे कि कल जो शो था देवरिया में, सुबह में शो था और वो बीजेपी का प्रचार था, तो बीजेपी के प्रचार में अब बॉस जाके उल्टा सीधा बोले वो तो सही नहीं ना है। वहाँ जवाब देने नहीं ना गए हैं, वहाँ बीजेपी का प्रचार था, उस चीज़ में गए थे, तो उस चीज़ में जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, जवाब मिलेगा उसको। और दूसरा चीज़, कल एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जोर से बोली, अब कितना जोर से बोली यार, आवाज़ नहीं सुनाई दे, तार नेटवर्क प्रॉब्लम हुई। हमारा आवाज़ के बाद तो दूसर कोनो साउंडो ना होती, पूरा गाड़ी के शीशा बंद हुआ। तो कल एक इस करात में वीडियो भी आया था मेरे पास, जिसमें ये समर सिंह, रितेश पांडे, कल्लू और पता ना किसको किसको झाट का बाल की पता ना क्या कह रहा था, ये हिजड़ब है। इसका वीडियो हम डाले हैं थी पे अपना आईडी पे, तो ये लोगों के ये चीज़ समझेला। अभी तो अभी ढेर वीडियो आई, अभी ऐसा वीडियो ढेर पड़ बड़ा, सो हो सकता है कुछ कांडो करत वीडियो एकर वायरल होके कुछ दिन में, है ना, तो एनिए पीछे वायरल हो जाई। इसका भी वीडियो है, जैसे त्रिषा कर्मधु का वीडियो वायरल हुआ था, वही सब वीडियो इसके साथ भी किसी का है। नाम नहीं रखेंगे किसके साथ है, जब आएगा तब देखा जाएगा। खोलो गेट, क्या करबो एकरा, बहिनी के चुदो सुतले रह कि नहीं, अभी खा लाइव हवे करो। लाइव हमारा के उठैला है ना, काम गड़बड़ा देला है, मुँह हाथ धो के आई बनी सुतल लाला बहुत बेधड़क में, हम कहीं अभी अभी गए हैं हम थोड़ी देर पहले। सब कहाँ है, वो शायद एक वो सो रहे सोया हैं। है, हाँ कौन सोया है, अरे वो सत्या भाई हैं, कौन है, ठीक है बैठना है इसमें। नहीं हम वही पूछे कि का अपने आप में बतुआ, ना हमको लगा लाइव बंद बना रहे हैं इसलिए देख रहा बंद था। करी, सुनो ना ओए, कहाँ है ई, मतलब खाई नहीं है, हाँ देखते हैं होगा होगा तो बना दीजिए। तो देखो भाई, हम पहला चीज़ के हम बहुत लोग हमारे से बोलल कि उस दिन लाइव का ना अल जाइए, ये मैटर भई रहे जाइए, वो लाइव आई के बकचोदी कैले बा इंस्टाग्राम पे। उस दिन हम लाइव क्यों नहीं आए, उस दिन लाइव इसलिए नहीं आए कि उस दिन भैया का गाना आया था वायरल भोजपुरी पे, तो वो गाने को गलत रास्ते में घुसा देना था, उस दिन विवाद करना था उसको, इसीलिए वो ऐसा कांड किया, ठीक ना। इसीलिए हम उस दिन लाइव आए भी थे, तो गाने का प्रमोशन किए थे ना, कि हम आके उसको उल्टा सीधा बोले थे। और ऐसा नहीं है कि हमारा ओकरा से ना डर लगेला ना ओकरा कोनो आदमी से डर लगेला, कोई भी ओके सबन के यहाँ हमार नंबर बा कुल बा, ठीक नू। तो चाहे विवेक सिंह हो खस, चाहे अखिलेश कश्यप हो खस, चाहे कोई भी हो, ए टू जेड जितना उसके साथ रहने वाला है। हाँ हमारे यहाँ सब चलेला ठीक नू, जौन बारे में वो कहले। आ दूसरा चीज बोला है, जो अब हर एक बात हम बता रहे हैं, जैसे बोला है खेसारी की
पी के स्टेज पे नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। अरे माधर छूद, आई के स्कैन कर ले रहो स्टेज पो या स्टेज स्टेज के सामने के रहे हम रही बहुत लोग रहे ठीक नू स्टेज के स्टेज पो आई के स्कैनिंग कर ले रहो कि पियल बड़े हम आज तक किसी भी जात के ऊपर कोई भी हो चाहे हमारे यादव भाई हो चाहे पासवान हो कोई भी हो सब हमारा भाई है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्राह्मण है तो मेरा ब्राह्मण से दोस्ती है ठीक है। सब जात के मेरे भाई है, सबके साथ बैठ के हम खाते हैं, हम इंसान हैं, हम कोई जात से बिलोंग नहीं करते हैं। वो चाहे यादव हो चमार हो कोई भी हो सब मेरा भाई है। लेकिन हाँ इंसानियत उसके अंदर होना चाहिए। ब्राह्मण होगा उल्टा सीधा होगा तो मैच छूदने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे अपने आप के बहुत बड़ा गुंडा समझौते रहे, इनका दे ही के ज्यादा घमंड बाकी हाँ हमारे यहाँ दे ही बताओ ऐसा नहीं दे ही तो रोज हमारे यहाँ 25 गो वो करे सब बढ़िया दे ही वाला बैठे तो बाउंसर के काम करे लायक बा। पहले पवने पापा सब थे, पवने पापा को देख देख के फिल्म करना सीख गए, बचपने से पवने पापा को देख रहे थे, आज पवन पापा तुम्हारे दुश्मन हो गए। ऐसा हूँ आज कलयुग में लोग बाप के इज्जत बहुत कम करता, बाप के भुला जाता कि हाँ हमारे बापो बड़े ठीक नू। कलयुग में बाप की इज्जत लोग बहुत कम करता। ना तो आज देरी ले लाइव रहो, अब जौन जौन ए थोड़ा उसका वीडियो हुआ दिखाओ ना तो अपना दिमाग खराब होगा, वीडियो भी नहीं देखेंगे तो बोलेंगे सुबह सुबह ऐसे तो वीडियो हुआ दिखाओ उसका ही जड़ वाला। और एक एक बात बता देते हैं, एक मैंने दारू भोजपुरी इंडस्ट्री में दारू एगो पवन सिंह पीते ही है, दूसरा को सब अमृत पीता है दही पीता है। बहन चोद जितना भी इंडस्ट्री में हीरो है चाहे हीरोइन है सबके सब पीता है, एगो है कि इनका पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है ना। ये कोई ओपन है इनका ओपन है बस यही ना है। दारू का मतलब कुछ खराब चीज है, पी के वो किसी को गरियाते हैं कि पी के रोड पे किसी को मारते हैं क्या करते हैं। और बोला कि फौजी भाई सब दारू पीते हैं तो क्या वो सब मने लंठे हैं खत्म है ना, फौजी भाई सब दारू नहीं पीता है। और बोला कि उनको अपने परिवार में परिवार को दूसरा चीज तुम परिवार पे कैसे आ गए परिवार में चले जाते हो, परिवार का मैटर तुम जानते हो क्या जानते हो भोसड़ी वाले माधरचोद, जो जिससे तुमको प्रॉब्लम है ना खेसारी उसी से लड़ो परिवार पे मत जाओ। आ तुमको धांसने में है चाहे दूसरे को धांसने में, अभी अभी टुनटुनावा गाना गाया है ना अभी कालिका स्टूडियो आ रहा में सब तुर तर दिया है ना, अभी उसका दही टूटेगा ठीक ना। आ हमारा केस आ बेल आ एथी से डर ना लगे ऐसे तो नहीं बैठो ना यहाँ बता दे दिए से पॉइंट और कुछ है आका बोल दिया। हाँ दूसरा चीज इसका कोई फिल्म बनारस में शूट हो रहा है अंदाज फिल्म, समर सिंह वहाँ गए थे, समर सिंह के बाद हटाइए ना, समर सिंह के बाद में हम चालू करेंगे इसका। अंदाज फिल्म का जिस दिन मुहूर्त था एक बात बताइए हमको, जिस दिन फिल्म का मुहूर्त होता है उस दिन पूजा पाठ होता है ना जी, जिस दिन फिल्म का मुहूर्त होता है उस दिन पूजा पाठ होता है। अब पूजा पाठ होता है तो उस दिन मुर्गा मछली कौन खाता है जी, ये खाणी उस दिन मुर्गा खाया है, दारू पिया है, 2 घंटा हीरोइन को लेकर रूम में बैठा है तो रूम बंद करके कर क्या रहा था। इसका पटना में इस साल का जितना भी छठ का गाना शूट हुआ है उस शूट पर के लड़की ने हमको फोन करके बोला है कि पूरा शूट छठ का दारू पी के किया है। जहाँ तक रहा बात ही बोल रहा है कि जैसे हम लाइव में अपने बोल रहा है कि मैंने कहा लकी ऐसा नहीं नलायक बेटा तोर हुई चला, ये बोलता है कि बस बस टून टून बेटा जहाँ बेटा जस पीट देवे के भाई मैं सोचे के नहीं खे। दूसरा चीज है क्या कहते हैं ये बोला कि नाचे आवेला, मैंने पवन भैया को नाचने नहीं आता है ठीक है,
शुरू से साले लवंडई कैले बड़ा नाचे तहरा ना आई तो उनका आई एगो डायलॉग दे दिया एक लंगे ऊ बोलो से लंगे ते तो साला हिजड़े लेखा बोलो बे। दौड़ने का बात जहाँ तक हुआ उनका संगे क्या दौड़ बे उनका फैने संगे दौड़ ना दे 2 किलोमीटर का 100 मीटर दौड़ दे उनका फैन संगे। हमको एक आप लोग बात बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसका चलता है भाई? सलमान खान का चलता है ना? हम सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं, हो सकता है सलमान खान का कोई लोग ना मानता हो। सलमान खान है ना, उसका बॉडी है। ऋतिक रोशन का है ना जी, टाइगर श्रॉफ का है ना बॉडी, लेकिन चलता किसका है? तो थी सलमान खान का। भोजपुरी में भी वही है, सलमान खान माने पवन सिंह। अब लाई भाई के तुम जो जो बोले हो वे किए हो, अभी तुम्हारा का होगा, अभी किससे मतलब तुम पाला ले लेते हो हमको समझे में नहीं आता है, कुछ वो बोल देते हो। अब बहुत सारे भाई जितने भी भैया के फैन है बोल रहे हैं कि भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं। भैया हर चीज के जवाब देस, उतना ओकर औकात नहीं खे। अब देखो एगो गुड्डू आ गया हमारे के चुप करा हुआ तरह रे, जो तुरा के कुछ हम ना बोलू। तो बस आप लोग जो गलत करता है उसका जवाब दीजिए। मनीष तिवारी मैक्स एकदम सही बोल रहा है, माने हम तो उसका लाइव पूरा देखे नहीं है ना, तो पूरा लाइव हवा का हम जवाब देते हैं। रुकिए एक मिनट बुलाते हैं। ए सत्या ओए, आज लाइव में जुड़े रहिए ना, हम पूरा उसका देख देख के हम बता रहे। सत्य से फोनवा मांग के लाइए, तो थोड़ा उसका सत्य का फोनवा मांग के लाइए ना। जितने भी भाई है वीडियो को हम शेयर वेयर करे के ना कह रहा, मन करे तो शेयर कर देवे के बाद, ना मन करे नहीं करे के। तो नहीं देखी ही जड़ावा के पहले वीडियो साला के, तो अपने दिमाग खराब हुई। अच्छा दिमाग हमारा खराब ना हो, उसका लाइव हम उतना नहीं देखे, बहुत कम देखे हैं, उतने पे दिमाग टन आ गया था। देखिए इस बार इंचोद का अभी तक ऐड लगा है पानी पानी पे, अभी ऐड पे ही चलिए रहा है, यूट्यूब खोलते इसी का वीडियो में दिख रहा है। बिना ऐड का इसके जिंदगी में कुछ हिले नहीं है। हाँ एगो महेशवा बा पवन सिंह को बुरी तरह रेल डाला है, कर डाला, सब लिख के डाला है। बेटा तू जहाँ जहिया बेटा आ जाता हर मैं हम कहा बात साला ये कर। तो एक मिनट रुक जाइएगा, हम इसका वीडियो सुन ले तब ना हमारा दूसरा चीज। अपने गाने का प्रमोशन डिस्को राजा की, रिस्को राजा कौन गाने का प्रमोशन भी उस दिन कर दिया है उसी लाइव में, तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी अभी कुछ बोला। मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, समाज हो या मेरा भाषा हो, इसलिए मैं किसी का नाम ले लेता हूँ। इस तरह कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, लाइव या कहीं भी हो नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं नाम लेने से पहले से हूँ मैं, इसमें ही नहीं लगेगा। और आपके नाम लेने और ना लेने से कुछ नहीं, अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके। अब बोल रहा है कि आपके नाम लेने से हम बड़ा थोड़ी हो जाएंगे, शुरू से नामे ले ले हीटे हुए हो,
गाना आता तो लाइव आ जाए। ठीक है, उनका गाना आया तो लाइव आए, क्या अपना गाने का प्रमोशन कर दो। अभी रुक जाओ ना, किसी इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, मैंने सीख देता रहो। दूसरा चीज, ये अपने जात को इतना नीचा दिखाया है अपने लाइफ में, कहा है बहुत सारे हमारे यादव भाई है, पढ़े लिखे है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, अपने जतिया के खुद कहते कि हम लोगों का यहाँ बुद्धि होता है यहाँ नहीं होता है। 61 साल की उम्र में बुद्धि होता है, मैंने इसका कहने का मतलब है कि इसका अब क्या कहें, हम नहीं कहना चाहते हैं, 65 साल पर इसका बुद्धि आएगा, तले इसका बैर और सब झर जाएगा। आप कब क्या बोल जाओगे ना, लोग गांजा पीकेगा। रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत। देखिए, एक होता है ना जिसको कुछ समझ में नहीं आता ना, बहुत रामायण का चौपाई ज्ञान पेलता है, बड़ा बड़ा ज्ञान पेलेगा, वही ये ज्ञानी है, इसलिए उसका ज्ञानी है जी। क्या नाम है, कैरी मिनाटी का एक ज्ञानी बाबा नहीं थे, पिछवा से बोलते थे वह ही है। हाँ, कुछ लोग वीडियो बनाए हैं, राजन सिंह, मुकुट भाई, मगहिया जवान और जो जो लोग बनाए हैं। देखिए, पवन भैया स्टेज पे किसी का नाम नहीं लिए हैं, ये कौन क्या किए है, ये जानता है कि वो हम ही इंसान हैले हैं, उतना गिरा हुआ आदमी हम ही हैले हैं, हमारे सिवा दूसरा नहीं हो सकता। एक बात और बता देते हैं, हो वीडियो को थोड़ा निकालिए ना, इसका सब विवेक सिंह मैनेजर हो गया, अखिलेश कश्यप जो भी उसे बोलता है वही आके बकचोदी लाइव में करता है। प्रदीप यादव बेटा हम जो जाना तनी नू, दीजिए जो अपने जात का नहीं हो सकता है, भोसड़ी वाला जो अपने जात का नहीं हो सकता है मादर चोद, वो किसी और का कैसे होगा। गेट बंद करिए, बहरी आवाज आएगा। जो अपने जात का नहीं हो सकता है वो किसी और का कैसे होगा। प्रमोद प्रेमी यादव है ना जी, कि प्रमोद प्रेमी बाबन है, राजपूत है, यादव है ना, देखिए उसको क्या बोलता है। और एक वीडियो दिखाएंगे इसके बाद। इसके साथ बैठा है क्या कहते हैं, बदरी झा, कोनो यूट्यूब का सारे गामा का कुछ है, जो भी है असिस्टेंट हो चाहे जो कुछ भी हो, मतलब रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, कल्लू, समर सिंह, झाट, उसका कुछ औकात नहीं है, इसका का नाम है, ऐसा ही बोल रहा है। तो एक बात बता देते हैं, वो चाहे कल्लू भैया हो, चाहे रितेश भैया हो, चाहे प्रमोद प्रेमी जी हो, चाहे समर सिंह जी हो, गुंजन सिंह जी हो, इस माधर चोद का कोई भी चीज हो उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। इसके पहले जो लोग भी उसका साथ दिए हैं, जो कुछ भी किए हैं, आज के बाद नहीं होना चाहिए, चाहे राकेश मिश्रा जी हो, कोई भी हो, पीठ पीछे यही समझता है, मुंह पे बहुत चिकना बनता है, ये बहिर है, ठीक है, ऊपर से चिकन है, भीतरी बड़ा कठोर है। वो वीडियो दिखाइए, ये खुद बोला है कि अपना गाना हिट करने के लिए हम गाना भी मरवा सकते हैं, वो भी वीडियो दिखा देते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि अपने गाने को हिट करवाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, अपना पैंट तक भी खोल सकता हूँ, अपना गान भी मरवा सकता है। अपने गाने को हिट करवाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। सुनाई नहीं दिया, फिर से सुनाते हैं, बार बार सुनाएंगे, सुनिए ध्यान से, पैंटो खोलेगा। अपने गाने को हिट करवाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ।
एकर बस चले तो पैंटो खोल दी ठीक नू। अभी बहुत सारा ऐसा वीडियो आएगा जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और है वीडियो ये पब्लिक को यही समझता है, पब्लिक को भी चुतिया ही समझता है। अब पवन भैया भी लाइव आ रहे हैं, शायद कोई भैया पोस्ट किए हैं क्या, एक मिनट से देखते हैं हम। बारह बजे भैया लाइव आ रहे हैं, ठीक है। भैया पोस्ट किए हैं कि आ रहा हूँ लाइव 12 बजे। शेर भी अपना लाइव आएगा, मतलब गांड में गुदा नहीं लंका में कूद जाना है। अब कूद गए वो बढ़िया से, अब फंस गए वो बढ़िया से, ठीक है। अब ज्यादा हम ना बोलब कहें कि हम एक लाइव ज्यादा देख ले बहनी ना, जो भी बकचोदी करेगा उसकी माँ छोड़ेंगे हम खुलेआम, कोई भी हो। सबके नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। भैया 12 बजे लाइव आ रहे हैं, सब कोई जुड़ेगा, सब कोई देखेगा, सब कोई सुनेगा भैया क्या बोल रहे हैं। जो भी भैया बोलेंगे उसी रास्ते पे चलना है, भैया की बातों को सुनना है ध्यान से, कहें कि वो अपने आदर्श हैं, स्वाभिमान है, अपनी दुनिया है वही। हाँ, पर सब चीज सही है, भैया जो कहेंगे वो हम करेंगे, चाहे जो वो बोलेंगे लाइव में वो हम करेंगे, चाहे सारे फैन करेंगे। लेकिन अब भैया के कोई उल्टा बोले या भैया मना करो उसकी मत बोलो तो वो तो ना हुई, ठीक नू। ये पब्लिक को चूतिया समझता है, पूरे इंडस्ट्री को चूतिया समझता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है, सब मुंह पे चिकन बनता है। मुंह पीछे जब ये प्रमोद प्रेमी यादव है ना जी, हम उसका उनका गाना सुनते हैं, ऐसा नहीं है प्रमोद प्रेमी का हम गाना नहीं सुनते हैं। आरा वाला गाना प्रमोद प्रेमी का हम सुने हैं, हमको अच्छा लगा, हम सुने। लेकिन जब अपने यादव भाई का वो नहीं हो सकता है तो वो दूसरे का क्या होगा। इसका सबसे बड़ा दुश्मन प्रमोद प्रेमी है, इसका काट वहीं रखते हैं। ठीक ना। आ थोड़ा हमारा लेट हो गया, हम अभी तक नहैले नहीं, ना ब्रश कैले बनी, ना कुछ सूत के उठबे कहीं नहीं है। सुबह में हम शायद 4 बजे पहुंचे पटना देवरिया से, तो हम सो गए थे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। भैया लाइव आ रहे हैं 12 बजे, तो फिर 12 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, तब तक हम भी खा पी ले रहे हैं। आप हमारे जितने भी भाई है, चाहे कोई भी बिरादरी से हो, यादव समाज से हो, सब मेरे भाई है। जो देखिए जो अच्छा है वो मेरा भाई है, ऐसा वो किसी के भी फैन हो। देखिए फैनगिरी अलग चीज़ है, आप किसी के इंडस्ट्री में इसके भी फैन हो ना, अगर आप सच्चे इंसान हो और सही जो सही है उसके साथ हो तो मेरे अपने हो। तो चलिए सबको नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। फिर जरूरत पड़ेगी तो लाइव आएंगे।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जो भी वीडियो क्लिप आएंगे वायरल वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।